बाजरे में भरपूर मात्रा में आयरन और जिंक है। एक हमारा जो भोजन हो वो अगर बाजरा आधारित हो तो हम 100 ग्राम बाजरा खाने से ही अपनी आयरन की कमी को पूरा कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा, गेहूं के बहुत सारे उत्पाद आपने देखे होंगे, जैसे कि गेहूं की रोटी के अलावा भी उसके बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट हैं, मगर हम कभी सोच नहीं पाते कि क्या हम बाजरे से भी ये चीज़ें बना पाएंगे। तो उसका मुख्य कारण है कि इसका जब हम आटा गूंथते हैं तो उसमें जो विस्को इलास्टिसिटी होनी चाहिए आटे में, वो इसमें नहीं मौजूद है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण है इसका भंडारण। तो जैसा आप सबको मालूम है कि बाजरे के आटे को आप बहुत समय तक नहीं रख सकते, लगभग 8 से 10 दिन में ये आटा थोड़ा कड़वा पड़ने लगता है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके आटे की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो गेहूं में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं ग्लूटेन। ग्लूटेन प्रोटीन के कारण ही जो गेहूं के आटे की रोटी बहुत आसानी से बन सकती है और बेकिंग में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारे विभाग ने क्या किया है कि गेहूं में से ये विशेषता जो ग्लूटेन प्रोटीन है इसका को निकाल कर हमने कोशिश की कि हम इसको रीजनरेट कर पाएं। इसको हम कहते हैं वाइटल वीट ग्लूटेन, जो हमने गेहूं में से निकाला है और इसको रीजनरेट किया है बाजरे के आटे में। इस बाजरे के आटे में रीजनरेट करने का की वजह से अब इसका जो आटा गूंथता है वो बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह होता है और उससे आप रोटी बना सकते हैं और बहुत सारे अलग व्यंजन भी आप बना सकते हैं, जैसे कि आप बेकिंग कर सकते हैं, केक बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, आप उसके सेव बना सकते हैं, नूडल्स बना सकते हैं और बहुत सारे व्यंजन इस तरीके से इसमें अब पॉसिबल हो पाएंगे क्योंकि इसमें हमने ग्लूटेन डाल दिया है। दूसरा, अगर ग्लूटेन डालने से जहाँ इसकी गुणवत्ता बढ़ गई है कि आप बहुत सारे व्यंजन बना पा रहे हैं, उसी तरह हमने इसके भंडारण को बढ़ाने की भी पूरी कोशिश की है। भंडारण बढ़ाने के लिए सबसे मुख्यतः ये ज़रूरी था कि इसमें कई किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि वसा पे काम करते हैं और जो ये वसा को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो अगर हम बाजरे को अंकुरित करें और अंकुरित करने के बाद सुखाकर उसका आटा बनाएं तो बहुत सारे एंजाइम जो इसमें ये कार्य करते थे उनको हमने उनकी मात्रा बहुत कम कर दी है। तो अंकुरित बाजरे के आटा को लगभग आप 3 महीने तक आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस वजह से इसके भंडारण में भी फायदा हुआ है और इसके आटा और गूंदने की प्रक्रिया व बहुत सारे व्यंजन बनाने की में भी सुविधा हुई है। तो मुझे आशा है कि ये जो हमारे दो विशेष तौर पे हमने कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में किया है, इससे हम बाजरा को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय बना पाएंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को समझते हुए अपने आहार में कम से कम सप्ताह में 2 दिन एक आहार बाजरे का जरूर लेंगे।